हेलो फ्रेंड्स, आज का पार्ट टू वीडियो है हेयर केयर रूटीन वाला। हाँ, तो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि बाल किस तरह से, क्या मेरा हेयर का रूटीन रहता है, बाल कैसे धोते हैं, सुखाते हैं, क्या कैसे ऑयलिंग करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं अपने बालों में एक्स्ट्रा नरिशमेंट देने के लिए और क्या क्या करती हूँ। बालों को भाई बहुत प्यार से संजो के रखना पड़ता है। यस, तो अब आप मेरे इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आपको इसी तरह के बजट फ्रेंडली एंड बेसिक आइडियाज मैं हमेशा देती रहूंगी। आई हैव लोड्स ऑफ आइडियाज फॉर यू। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को, सेकंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, बाल हमारे देखने में अच्छे लगे, इसके साथ साथ हमारे बाल हेल्दी भी रहें, सिर्फ शैम्पू करेंगे, ड्राइंग करेंगे और ब्यूटीफुली बालों को, हेयर स्टाइल को बना लेंगे, सिर्फ इससे तो काम नहीं चलेगा ना, तो किससे काम चलेगा। देखिए, उन्हें हेल्दी बना करके रखना हमारी जिम्मेवारी है। तो मैं समय समय पे इनको हेल्दी बना के रखने के लिए और भी नरिशमेंट देती हूँ। किस तरह का नरिशमेंट देती हूँ, मतलब समय समय पे, जैसे आज दिन में सरसों का तेल लगा लिया, पूरा तेल अच्छी तरह से इस जगह पे बहुत ज़्यादा करके तेल लगा लिया, फिर पूरा तेल अच्छी तरह से लगाने के बाद इवनिंग में जा करके हमारे यहाँ स्टीम है, मैं ले लेती हूँ। जिसके पास स्टीम नहीं, रूम नहीं रहता है, तो वो है ना, मतलब टावल जो है, टावल को रैप अप करके गरम गरम टावल पानी में भिजा के और गरम गरम टावल को लपेट के रख ले, तो वो पूरा स्टीमिंग हो जाता है। और मैं तो, मेरा स्टीम रूम है, तो मैं जा करके स्टीम लेकर के आ जाती हूँ। तो बालों को क्या है, ऑयलिंग किया हुआ है, स्टीम ले रहे हैं, तो उनके अंदर एक स्ट्रेंथ बनती है, एक उनको हेल्थ मिलता है। सबको ही नरिशमेंट चाहिए हम लोगों को, तो बालों को भी नरिशमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से वो बाल मेरे और भी ज़्यादा स्टीम लेने से अच्छे और स्ट्रांग हो जाते हैं, नरिश्ड हो जाते हैं। देखिए, स्कैल्प क्लीन और हेल्दी रहे और बालों की जो जड़ें हैं, वो जड़ों से बाल एकदम, मतलब मजबूत रहे। तो हम जितना ज़्यादा मजबूती हम अपनी जड़ों के, बाल के जड़ों को देंगे, उतनी ही लॉन्ग लास्टिंग हमारे बाल की हेल्थी लाइफ रहेगी। तो मैं उसके लिए एक, मतलब चीज़ पीती हूँ जो मैं आपको बताऊँगी तो आपका टेस्ट थोड़ा कड़वा हो जाएगा, लेकिन इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, नॉट फॉर ओनली हेयर्स, बॉडी के हर पार्ट के लिए ये चीज़, खून के लिए, सब चीज़ के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। वो क्या होता है, मैं मतलब साल में दो बार 15-15 दिन के लिए नीम का काढ़ा पीती हूँ, नीम के पत्तों का काढ़ा पीती हूँ। जो खारी नीम की पत्तियाँ होती हैं, हाँ बिल्कुल खारी खारी, तो उनको क्या है कि 5-7 पत्तियों को एक गिलास पानी में बॉइलिंग करने के लिए चढ़ा देती हूँ। फिर जब बॉयल हो के जब वो सिर्फ, मतलब एक बोल बच जाता है, बहुत थोड़ा सा बच जाता है, तब वो उसको मैं छान लेती हूँ और छान करके उसमें थोड़ी सी चीनी मिला देती हूँ। अब नीम का इतना कड़ा काढ़ा है तो कड़वा तो लगेगा, लेकिन होता है ना कि दवाई तो हमेशा कड़वी होती है, लेकिन जब कड़वी दवाई हम पीते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। तो एग्जैक्टली वही बात है, मैं अपने स्किन और अपने बालों के लिए और अपने खून, मतलब क्लियर रहे अच्छे से, वो सब चीज़ के लिए, नरिशमेंट के लिए मैं क्या करती हूँ, ये नीम का पानी 15-15 दिन के लिए साल में दो बार पीती हूँ। तो उससे क्या है कि मतलब बाल की जड़ें एकदम अच्छे से क्लीन, क्लियर, स्कैल्प क्लियर रहता है और बालों में नरिशमेंट मिलती है और हेल्दी रहते हैं बाल। फ्रेंड्स, एक्चुअली बालों, हेल्दी हेयर्स के लिए हमें कुछ चीज़ें भी खानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि आंवला का मुरब्बा है, आंवला बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आंवला का मुरब्बा खाइए।
और मतलब कभी कभी और भी कई चीजें जैसे कि हमें बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी समय समय पे लेना चाहिए। तो देखिए हेल्थ हमेशा अंदर से आती है, बाहर से हम ठीक है उनको मतलब वो कर सकते हैं, दिखावा के लिए सही सही कर सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक हमारा अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, नरिश्ड रहेगा, तो बाल अपने आप ही अच्छे ग्रो करेंगे, ब्यूटीफुली ग्रो करेंगे और स्ट्रांग रहेंगे। और इसके अलावा अब देखिए मैं अपने बालों के लिए यूज करती हूँ हेना। हेना भी मैं लगाती हूँ मंथली 2 बार 3 बार ऐसे करके हेना भी मैं लगाती हूँ। और हेना मैं दिखाती हूँ मैं कैसे और क्या, मतलब मेरा थोड़ा सा अलग टाइप का प्रोसेस है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा हेना लगाती हूँ और क्या करती हूँ। ये देखिए मैं है ना ये शहनाज का ये वाला हेना लगाती हूँ, शहनाज की हेना लगाती हूँ, शहनाज की आती है ना ये हेना, ये वाली पाउडर हेना है। तो हेना प्रेशियस हर्ब मिक्स प्रोफेशनल पावर ये हेना है। तो मैं ये शहनाज वाले हेना लगाती हूँ, इसको भिजा देते हैं। भिजाने के साथ में मैं यहाँ पे 3 चीजें और यूज करती हूँ, यस, आंवला, रीठा एंड शिकाकाई। दीज ऑल थिंग्स आर एवरी वन नोज, हमारे पुराने जमाने से सब जानते हैं कि मतलब ये बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं हमारे बालों के लिए। तो आंवला, रीठा, शिकाकाई हमें अपने बालों में, स्कैल्प में यूज करना चाहिए उन्हें हेल्दी बना के रखने के लिए। तो मैं भी ये यूज करती हूँ और हेना के साथ में मैं ये सब मिक्स करती हूँ जब वो करती हूँ। तो ये देखिए ये है, मतलब पाउडर्ड है, ये पाउडर्ड है, ये शिकाकाई है, पाउडर्ड शिकाकाई मार्केट में मिला था मुझे, आप लोगों को भी अमेजन पे मिल जाएगा। ये भी है पाउडर्ड आंवला, पाउडर किया हुआ है, ये सब ड्राई करके पाउडर किया हुआ, प्रोसेसिंग किया हुआ रहता होगा जो भी, बट दिस इज वेरी हेल्दी एंड नेचुरल प्रोडक्ट। ये आयुर्वेदा की कंपनी के प्रोडक्ट है, तो अच्छे प्रोडक्ट है, तो आप आराम से इनको ये दूसरी कंपनी के भी पाउडर ये आंवला, रीठा, शिकाकाई मंगाइए और इसके साथ में मिक्स करके और फिर बालों में पूरा हेना अच्छी तरह से लगा लीजिए। मैं 2 से 3 घंटे जब हेना लग जाता है, रह जाता है माथे में और फिर थोड़ा सूख सूख सा जाता है, पूरा अच्छे से सूख जाता है, फिर क्या होता है ना हेना लगाते हैं फिर हम लोग जब बाल धोते हैं ना तो बहुत सारे बाल टूटते हैं क्योंकि वो ड्राई हुआ हुआ रहता है और हम अचानक से जोर जोर से उसको निकालने के लिए उसको बेचारे बालों को एकदम परेशान कर देते हैं। तो मैं इस तरह से नहीं करती हूँ, मैं क्या करती हूँ कि मतलब ये जब हेना कंप्लीट हो जाता है तो बालों के अंदर में सरसों का तेल पूरा अच्छी तरह से अंदर भिजा लेती हूँ, सरसों का तेल से मेरी बाल को स्कैल्प तक, बाहर से बालों को, ये देखिए बाल मैं भिजा लेती हूँ अच्छी तरह से बालों को, ये देखिए, तो बालों को अच्छी तरह से भिजा लेती हूँ और फिर क्या होता है ना कि मतलब वो धीरे धीरे तेल के साथ में वो सॉफ्ट होती जाती है ना, और उसका कलर और अच्छा बरगंडी आते चला जाता है, कलर भी अच्छा आ रहा है और है ना माथे से बालों से छूटने के लिए इजीली मतलब छूट भी जाती है, तो वो तेल के साथ में बाहर भी सॉफ्टली भी निकल जाती है। फिर मैं बाथरूम में जाकर के फिर मैं हेना को हल्के हल्के हाथों से वो तेल लगाया हुआ रहता है उसको उतार देती हूँ और फिर जब वो हेना निकल जाती है तो उसके बाद में मैं वो तेल से लगा हुआ बाल वो पूरा दिन रखती हूँ। हाँ उस दिन पूरा दिन वैसे ही रहता है, बाल पूरा ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन मेरे बालों को मिल रही होती है सेहत, मेरी बालों को मिल रही होती है नरिशमेंट, तो उतना एक दिन मैं इन्वेस्ट करती हूँ मेरे बालों पे। उस दिन वो वैसे ही रहता है, फिर दूसरे दिन हम अच्छी तरह से उसको शैम्पू कर देते हैं और फिर से वो शैम्पू, ड्राइंग, डिटैंगलिंग, वो सब कुछ करके और हल्के हल्के रबड़ से बालों को बांध करके रखते हैं, बहुत अच्छे से बाल का केयर हो जाता है। तो चलिए अगर आपको अच्छा लगा
मेरी हेयर केयर के इस रूटीन में आपको कुछ भी अच्छा लगा तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो भाई इसमें तो मैं आपको कहूंगी कि मैं तो इसी तरह से बालों का केयर करती हूँ, एंड आई लव माई हेयर्स, मेरे हेयर्स खराब नहीं हुए हैं। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, तभी तो मैं आपके लिए इसी जोश से अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आती रहूंगी और बजट फ्रेंडली आपके सारे काम करवाती रहूंगी। बाय बाय।